हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत आसान है लेकिन स्वाद में लाजवाब है। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है कढ़ाई में दूध। दूध आपको फुल फैट क्रीम वाला ही लेना है। अब इसमें डालेंगे हम 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। और अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1/3 कप शुगर। आप शुगर आपके टेस्ट अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। और इसे पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर कढ़ाई के बॉटम में जाकर बैठ जाता है। तो इसे पहले आप अच्छे से दूध में मिला लें, उसके बाद ही हम इसे गैस पर रखेंगे। तो चलिए, अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे गैस पर रखेंगे। और गैस पर रखते ही आपको इसे लगातार चलाते हुए पकाना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर जैसे ही बॉटम पे बैठता है उसे हीट लगती है तो उसमें लम्स या गुठलियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। और लगभग 5 से 6 मिनट में ही देखिए दूध जो है वो गाढ़ा होने लगेगा। लेकिन हमें यहाँ पर इसे अच्छे से गाढ़ा करना है, तभी ये अच्छे से सेट होगा और इसके अच्छे से पीसेस बनेंगे। तो ये देखिए, अब इसमें बड़े बड़े बबल्स आने लगेंगे। इसका मतलब ये अच्छी तरीके से पक चुका है और ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसे पकाना है। और आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं। अब गैस की फ्लेम बंद करके हमें इसे एक ग्लास के कंटेनर में सेट करना है। आप कोई भी स्टील का या फिर एल्यूमिनियम का, जो भी आपके पास टिन हो, उसमें डाल सकते हैं। और इसे हमें एक साइड रखना है, तब तक हम जेली बनाते हैं। तो जेली बनाने के लिए हमने 1/2 लीटर पानी लिया है और इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पैकेट में 1/2 लीटर लिखा है तो आप 400 ml ही पानी लीजिए। और उसके बाद इसमें सारे जो चीज़ें इसमें हैं, 2 पैकेट जैसे कि शक्कर और जो एक वाइट पाउडर है उसे भी हमें डाल देना है। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे भी हम गैस पर रखेंगे और इसे अब पकाएंगे। जैसे इसमें एक उबाल आएगा तो ये हमारा जो लिक्विड है जेली का, वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अब ये देखिए इसमें भी उबाल आने लगा है। और जैसे इसमें उबाल आएगा, गैस की फ्लेम बंद करके हम जो हमने कस्टर्ड को रखा था वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो उसके ऊपर पहले हमें ये केले के स्लाइसेस रखने हैं, मीन्स बनाना के स्लाइस अरेंज करने हैं। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसे अरेंज किया है। तो जो कंटेनर है उसके साइड के एरिया पर आपको पहले इस तरीके से अरेंज करना है ताकि इसकी एक अच्छी लेयर बन जाए और दिखने में भी ये सुंदर दिखेगा। ये देखिए, हमने अरेंज कर लिया है। अब जो कस्टर्ड है इसके ऊपर हमें हल्का हल्का सा निशान लगा देना है ताकि जेली का लिक्विड इसके अंदर जाकर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए, अब जो हमने जेली का लिक्विड बनाया है इसके ऊपर डाल देंगे। और कितना सुंदर दिख रहा है, नीचे येलो लेयर है, ऊपर रेड लेयर है और बीच में वाइट लेयर जो केले के स्लाइस की है। अब इसके ऊपर भी हमें ये बनाना के स्लाइसेस डाल देना है, इसे अच्छे से सेट करना है। आप यहाँ पर पहले भी बनाना डाल सकते हैं लेकिन कभी कभी जो कस्टर्ड है उसके ऊपर ये आ जाता है जिससे जेली का लिक्विड उस पर जा नहीं पाता। इसके लिए पहले हमने जेली डाला, फिर केले के स्लाइसेस डाले हैं। अब इसे हमें फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। तब तक हम यहाँ पर व्हिप क्रीम रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप व्हिप क्रीम ली है, इसे अच्छे से बीट कर लिया है। और चलिए, अब हम देखते हैं हमारे डिज़र्ट को। तो आप देख सकते हैं ये अच्छा सा चिल्ड हो चुका है, ठंडा हो चुका है और जो जेली है वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर हमें डालना है व्हिप क्रीम। तो ध्यान रखिए कि आपको डेजर्ट अच्छे से ठंडा करने के बाद ही व्हिप क्रीम लगाना है, वरना जो क्रीम है वो मेल्ट होने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने व्हिप क्रीम लगाकर इसे अच्छे तरीके से फैलाया है, इसे स्प्रेड किया है इवनली सभी जगहों पर। और अब हमें फिर से इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ऊपर की जो क्रीम है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी। वैसे ये वाला जो प्रोसेस है आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो सिर्फ 2 लेयर में भी आप ये डेजर्ट का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से इसके पीसेस बन जाते हैं। बस आपको नीचे तक जो नाइफ है उसे ले जाते हुए इसे कट करना है। तो ये देखिए, हमने इसके पीसेस कर लिए हैं और इसे थोड़ा सा और गार्निश करेंगे। तो व्हिप क्रीम से हम थोड़ा सा इसे और थोड़ा सा गार्निश करेंगे ताकि ये दिखने में और सुंदर लगे। ऊपर हमने एक चेरी लगा दी है और ये देखिए, अब हम इसे निकाल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेस्ट
और खाने में ये इतना स्मूथ और क्रीमी लगता है, साथ ही स्ट्रॉबेरी, बनाना और ये वेनिले का जो फ्लेवर है ना, बहुत अमेजिंग लगता है। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।